सिर्फ मैदा ही होता है। हाँ मगर एक शायद कुछ दूसरे भी ऐसे हैं। गाइस आज शुरू कर रहे हैं हम लूना से। तो ये रही लूना, मैंने इसके कपड़े चेंज किए हैं, इसको नीट कर लिया है। वो भी ये रही लूना। लूना तो ख़बर ये है कि लूना का हीट साइकिल जो है वो शुरू हो चुका है, तो इसलिए वो आपको डायपर में नज़र आ रही है। मैंने इसको भी फ्रेश किया है, कपड़े चेंज किए हैं इसके, और पाउडर वगैरह लोनी पाउडर वगैरह लगाया है। और ये रही मैं। आज का प्रोग्राम कुछ हम लोगों ने चेंज किया है, मैंने मिट्टी को काम पे छोड़ा है, और क्योंकि लूना को पेन वगैरह थी तो इस वजह से फिर मैंने मिट्टी डिसाइड किया कि जब मिट्टी को मैं लेने जाऊंगी, जब मिट्टी की छुट्टी होगी, क्योंकि मेरा जिम सुबह 3 बजे तक खुला रहता है, तो मैंने मिट्टी को कहा था कि मैं कहते हाफ एन आवर ही आज करूँगी, क्योंकि लूना को मेरी ज़रूरत है पीछे घर पर, तो मैंने हाफ एन आवर करूँगी। तो मिट्टी कहती जब तुम मुझे लेने आओगी तब तुम चली जाना वहाँ पे, और फिर जब मेरा टाइम होगा तुम मुझे लेने आ जाना। तो हमने ये डिसाइड किया। तो आज चैलेंज है हम दोनों का वो स्पाइसी नूडल्स खाने का, तो देखते हैं कैसे। वो तो जो मिठाई आएंगे तब करेंगे, अभी मैं मार्केट के लिए रेडी होंगी, क्योंकि फ्राइडे को मेरी मार्केट है, मुझे वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं, मेरा सामान सब वहाँ पे डिस्प्ले होगा, मेरा वहाँ पे सेल्समैन है जो चीज़ें सेल करेगा, तो मैं उसकी चीज़ें बनाऊँगी। फिर मैंने यार्न्स लेने जानी है, लेकिन यार्न शॉप 7 बजे खुलेगी, तो फिर मैं वो लेने जाऊँगी। और या मिट्टी कहाँ पर गए? तो गाइस मैं आलिया के पास बच्चों को छोड़ के क्विकली यार्न स्टोर पे जा रही, क्योंकि मेरा एक ऑर्डर है, और मुझे सारे जो मेरे ऑर्डर्स हैं एटलीस्ट थर्सडे तक रेडी करने हैं, क्योंकि फ्राइडे को मेरी मार्केट भी है, फ्राइडे को गुड फ्राइडे भी है, फिर सैटरडे को मेरा पहला पेपर है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जो एडोरेबल नोट्स का काम है वो कम्प्लीट हो जाए। तो पहले मेरा प्लान था मैं कल मिट्टी के साथ जाके यार्न स्टोर चली जाऊँ, लेकिन कल मेरा मिट्टी का भी बाहर का प्लान है, फिर ये कहीं यार्न स्टोर रहना चाहे, क्योंकि यहाँ जो सी यार्न मुझे चाहिए वो इसके पास अवेलेबल होती है, वो भी हार्डली। और कल जब मेरी बात हुई ऑनर से, तो कल जब यहाँ की ऑनर से मेरी बात हुई है, तो उसने मुझे बताया बहुत लिमिटेड कलर है, तो प्लीज़ बाय, और यानी जितनी जल्दी हो सकता आप जाके ले लें, क्योंकि वो रिज़र्व नहीं रखते, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। तो इसलिए मुझे ये डर था कि अगर अवेलेबल है तो मैं जाके ले लेती हूँ। पार्किंग देख लेते, पार्किंग नहीं मिल रही है, पार्क भाई गाड़ी बंद करते हैं, शीशा ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक सो मैं बहुत कम एसी लगाती हूँ गाड़ी की, ये टाइम हो रहा है। इधर पार्किंग थी, मगर मुझे लग रहा था मेरी गाड़ी नहीं चलती, काफ़ी हवा चल, ओ येलो है, बस मुझे कहा था लिमिटेड कलर है। हेलो, आई केम इन अ रश, आई एम लुकिंग फॉर येलो कलर, दैट्स वे टू फ्लैशी, दिस येलो यू डोंट हैव इन दिस वन, आई वांट टू मेक अ ऑर्डर। सो गाइस हमेशा की तरह प्रॉब्लम होती है, तो आफ्टर डिस्कशन विद दिस ब्यूटीफुल गॉर्जियस लेडी वी केम टू द कंक्लूजन, आई हैव मैडम, ओह फाइनली, सो बट आई थिंक सो दीस टू स्किन्स विल बी इनफ, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज ऑन सेल, सो गाइस यू गाइस कैन कम एंड बाय फ्रॉम हियर, एंड एज यूजुअल इफ आई केम हियर आई ऑलवेज बाय समथिंग विच इज नॉट इवन नीडेड। Help me, I need help. Guys, ask her how much yarn I buy. How much yarn? What yarns are on sale? What other yarns are on sale? Huh?
और पार्टी गुड न्यूज गाइस प्लीज कम एंड आई थिंक सो एवरीबडी हु लव कलेक्टिंग यार्न दे शुड डू इट नाउ ओके यू नो व्हेनेवर आई एम एट होम हाँ आई एम लाइक ओके आई एम गोइंग टू बाय दिस कलर दैट कलर बिकॉज आई डोंट हैव इट बट एज सून एज आई कम हियर आई एम लाइक ओके आई थिंक सो आई हैव दिस वन आई थिंक आई हैव दिस वन सो आई डोंट बाय इट Guys, it's like my dream to have every color in my yarn stash. Really, really yarn. गाड़ी की तरफ चले हल्की हल्की बूंदा बांदी हो रही है तो चलो चलो भाई गाड़ी स्टार्ट करे आलिया बहुत अच्छा बच्चा है उसने कहा तीता तू जा मैं लूना के पास बैठती हूँ तो गाइस बहरीन में चल रहा है गिरगाउन गिरगाउन में क्या होता है ये 13 to 14 रमदान आई थिंक सो ये देखिए बच्चे छोटे छोटे ये गिरगाउन मांग रहे हैं देखिए गिरगाउन मांग रही ये अभी घरों घरों में जाएंगे गाने गाएंगे और ये तैयार तीर हो के निकलते हैं ये देखो गिरगाउन चल रही है ये देखिए बच्चे जो है ना सज धज के निकलते हैं थैलियाँ हाथों में पकड़ी होती हैं और गिरगाउन ये अभी जैसे देखे बच्चे इस घर में जा रहे हैं गिरगाउन लेने ये देखें ये गिरगाउन के कपड़े पहने हुए मैंने अरे कोल्ड स्टोर बंद है मुझे तो चीज लेनी थी कुछ या बिजली भाई मैं क्रोशिया बना रही हूँ अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं और ये देखो इतनी तेज हवा और उसके साथ साथ बारिश ये देखिए आप लोगों को आवाज आ रही होगी ऐसी तेज हवाएं चल रही है मैं कोई दरख्त दिखाऊं तो आपको पता चले ये अजीब तूफान और साथ साथ बारिश भी अब बारिश में आप लोग कैसे दिखा सकती इस लाइट में ओहो बंद कर देते खिड़की भाई बंद कर देते तूफान तो गाइस अभी मैं काम से आया था और रनिका बोल रही तुमने जो मेरे साथ चैलेंज किया था तो वो अभी तुम करो तो मैं भी बना रहा हूँ नूडल्स स्पाइसी वाले तो देखते हैं कौन खाता है पूरे आपको क्या लगता है रनिका खा लेगी वैसे मैं तो स्पाइसी बहुत खा लेता हूँ टेंशन नहीं है इसकी सबसे खतरनाक चीज है ये वाली तो जनाब नूडल्स आप अभी बन रहे हैं तो नूडल्स बन जाए तो फिर चैलेंज शुरू करेंगे तो अभी टाइम है इनका चलो भाई अभी स्पाइस को रेडी करो मजा आ जाएगा सबसे खतरनाक चीज है ये दूसरे मसाले इनके चाय का किधर का चाय का है क्या चीज है तो है तम्बाकू तो है तम्बाकू है कोई
कोई चलो भैया अभी देख लो, अब देखते हैं। जैसे खाने के बाद ना जो बाहर में हालत होती है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं सबको कहता हूँ हेल्थी खाया करो, ये तो हम चैलेंज कर रहे हैं इसलिए हम नूडल्स खा रहे हैं, पर आप लोग नूडल्स मत खाया करो, नूडल्स अच्छे नहीं होते, ठीक है? तो ये सिर्फ चैलेंज है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा खा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं। तो चलो भाई, तो इसीलिए मैं खा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो है ना सब लोग अपने बच्चों को भी बहुत नूडल्स खिलाते हैं, तो कोशिश किया करें ये नूडल्स वगैरह बच्चों को ना खिलाएं, अच्छे नहीं आते, सिर्फ मैदा ही होता है। हाँ, मगर एक शायद कुछ दूसरे भी ऐसे मिलते होंगे जो अच्छे वाले होते हैं, कभी कभी खिला सकते हैं। मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद होता है, और आजकल तो बड़ों को भी ये पसंद है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान का एक है, चटपटा, वो भी बहुत मजे का है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला पैकेट जो है ना चटपटा, ये बेस्ट है। अगर मैंने नूडल्स खाना बंद किया तो आज तो सिर्फ चैलेंज है इसलिए खा रहा हूँ, पर आप लोग भी मत खाया करो। तो गाइस ये चैलेंज कर तो दिए, अब अल्लाह मिट्टी आपने तो पूरा मारने के चक्करों में पानी तो निकाल देते। नहीं, चाहता हूँ सुबह जब हम बाथरूम जाए ना तब पता लगे। एनु खाना भी औखा है, कड़ना भी औखा है, मस्त मोल ते मिठे चोल। तो कैमरा लगा देते हैं स्टैंड पे और आ जाओ भाई साहब, निधि क्या और पाबलो ऐसे देख रहा, मैंने तो कहा मैं इसको खिला दे, इसको तो चेक कर नहीं खा सकती। तो चलो गाइस ये अब हम स्टार्ट करने लगे हैं, भांडे तो उधर रखना, दूध भी नहीं है। दूध है मिट्टिया स्टोर से दूध मंगा, नहीं तो जान निकल जानी है। पहले मिट्टी खाएगा, नहीं जिसने पहले छोड़ा वो हार गया। चलो शुरू करो अभी, नहीं तो मुझे मेरा वाला बर्तन दो ना, मैं फिर ये किसका अब गाय, क्योंकि हमारा स्टैंड मिट्टी ने खराब कर दिया था, तो अब जो भी है चले आप खाओ। वैसे बड़े खतरनाक लगते हैं, थोड़ा ठंडा हो ले, मैं ज्यादा गर्म नहीं, गर्म गर्म ही तो खाना है उसको, ठंडे का। अच्छा चैलेंज मैंने दिया तो सारी इंस्ट्रक्शंस मिट्टी की हैं, बुनबुनिंग बाबा नहीं, यह काम बड़ा औखा है। तो पहले मिट्टी खा भी लो, है? इसमें ये बहुत ज्यादा मिर्ची है, मगर प्रॉब्लम क्या है इसमें कोई टेस्ट नहीं है, नमक नहीं है, मैं सिर्फ मर्ची मिर्ची तो इसलिए वो मिर्ची। हाँ, इसमें अगर थोड़ा सा नमक और लेमन आप डाल दो ना फिर आप इसे खा सकते हो, पर एक्चुअली ये डेंजर है, मैं सिर्फ बताऊँ तो बस एक दो ही खा, मैदा खत्म कर देंगे आपका। स्पाइसी आप तब खाते हो जब टेस्ट उसका हो अच्छा, ये खाली ना स्पाइसी स्पाइसी मिर्ची तो लिया ना चाइना वाले, पता नहीं क्या मिर्ची है, जी है ना चाइना का है किसका ही है, आई थिंक सो जापानीज खाली लंबे से खाते हैं यार, पर उनकी ईद इतनी लंबी क्यों होती है, उसे नहीं खा जा रहा, थोड़ा सा ही डाला है बस, आ रही जैसे खा रहे हो
दुआ करके। मैं तो सिर्फ एक ही वो खाया। दुआ करो। देखो हार मैं नहीं मानने वाली, आपको मालूम है हार मानने वाले दिन पैदा ही नहीं ना हुए हम। मैं नूडल्स वैसे खाता नहीं सब। हाँ यार क्या सोच के बनाए थे इन्होंने। मिठे मान जाओ ना और आप नहीं। मैंने स्पाइसी बहुत बहुत खाया। मैं ग्रीन चिली खा जाता हूँ, सब खा जाता हूँ, ऐसा मसला नहीं है। ये और अब पता क्या कि हम लोग जो है ना एज में आ रहे, जब एज में इंसान आता है ना, फिर आपको पता है आपकी स्किन के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। मेरे आप देख सकते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं वो सब मेरी स्किन पता है किस तरह हुआ करती थी। स्पाइसी के साथ, स्पाइसी आप खा रहे हो ना, तो स्पाइसी के साथ अभी मीठी ग्रीन चिली, ग्रीन टी नहीं, अभी अभी हम लोग करो कि ठंडा कुछ पीना पड़ेगा। ग्रीन चिली खाओ वो अच्छी, इसके अंदर डबो डबो नाम मन नहीं। बताओ जब मैं वो लाल मिर्ची वाला वो बनाता हूँ अपने लिए, पानी डाल के नमक डाल के, उनका मजे का होता है, पर वो भी डेंजर है। लाल मिर्ची तो खैर खतरनाक है। बताओ ज्यादा मिर्च क्यों लग रही है, क्योंकि आपने पानी इसमें इतनी हार मान जो ना यार। मान गए जिसने बर्तन नीचे रख दिया मतलब वो हार के। नहीं असल मेरे ना कोट जलने शुरू हो गए। मेरे भी ये देखिए है ना लाल हो रहे हैं। नहीं भाई सुबह पेट खराब हुआ और छुट्टी बंद हुई हो। तो मिठी ने एक्चुअल में ज्यादा मिठी नहीं खाया, मैंने तो एक दो ही खाया, तो हार तो मैंने नहीं ना मानी, तो चैलेंज मैं जीती हूँ। मिठी इसको डिस्पोज करो, ये तो खतरनाक है, बम्ब है बम्ब। तो ये मत खाया करें। हम लोग कुछ ही देखे लाल और मेरे अभी कुछ इंतजाम करते कि ताकि मिर्ची टोन डाउन हो और हमारे मैदे को प्रॉब्लम ना हो। मिठी मुंह भी ज़्यादा अच्छे से साफ करना, क्योंकि आपको पता है हमारे बच्चे। हाँ तो गाइस अपडेट ये है कि मुझे तो वॉमिटिंग हो गई है। नहीं तो लेकिन मैंने गिव अप, तो मैंने आप लोग बताए कौन जीता है। तो गिव अप भाई रिकॉर्डेड है वीडियो में, ठीक है ना। ये जो आदमी है ये चैलेंज हार गया है आज। आपने खुद हार मानी है, आपने हार फिर या तो फिर आपने मेरे वाले बर्तन में ज्यादा मिर्चें डाली होंगी और अपने वाले बर्तन में कम डाली होंगी। ऑन रिकॉर्डेड है गाइस, ऑन रिकॉर्ड नहीं। ये देखो हमारे दिन 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 ये पाब्लो, ये रावुफा। तो चले गाइस अभी हम दोनों मियां बीवी कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे और शायद मूवी भी देख लें। और ये मिर्ची का असर तो अब तक नहीं, क्योंकि मुझे बहुत जलन हो रही है। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड कीप वॉचिंग शमान अनिकास व्लॉग।